हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम दक्षिणी पूर्वी एशिया की जलवायु के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में हम दक्षिणी पूर्वी एशिया की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, तो देखिए दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत जो जलवायु पाई जाती है उसी जलवायु के आधार पर यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति भी दो प्रकार की देखने को मिलती है। पहली प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पति हमें मिलेगी वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन। और दूसरी प्रकार की जो वनस्पति यहाँ पाई जाती है वो है मानसूनी वन, मानसूनी वन। इससे पहले हमने जलवायु के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे जलवायु भी दो प्रकार की देखने को मिलती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु और दूसरी थी मानसूनी जलवायु। और जलवायु के आधार पर ही यहाँ पे वनस्पति भी हमें दो प्रकार की मिलती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और मानसूनी वन। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है, ठीक है, और जहाँ तापमान भी अधिक होता है, तापमान अधिक होता है, ऐसे क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यह स्थिति हमें मिलती है विषुवत रेखीय के क्षेत्रों पर, विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय प्रदेशों में इस प्रकार का जल, इस प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है, ठीक है, जिसमें हम दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश देखें जिसमें इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक है। तो ये दक्षिण पूर्व का ये तीन देश मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, इन देशों में विषुवत रेखीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है जहाँ वर्षा अधिक होती है और तापमान भी अधिक होता है। तो इन क्षेत्रों में हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। और आगे हम देखते हैं इन वनों में जो मुख्य रूप से जो वृक्ष पाए जाते हैं वो है महोगनी, एबोनी, राजवुड, रबड़ और ताड़, ठीक है। ये वनस्पति हमें उष्णकटिबंधीय वनों में देखने, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में देखने को मिलती है। और इन वनों की ये विशेषता होती है कि ये जो वन है वो सघन होते हैं, सघन वन होते हैं, इनकी ऊंचाई अधिक होती है, ऊंचाई अधिक होती है, ठीक है, और पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, पत्तियाँ चौड़ी, ठीक है, ये इन वनों की विशेषता होती है, ठीक है। तो ये हमारे पहले प्रकार के वन थे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों का विस्तार हमें देखने को मिलता है विषुवत रेखीय प्रदेशों में, और जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस देश स्थित हैं। मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इन वनों की ये विशेषता होती है कि ये वन सघन होते हैं, ये अधिक ऊंचाई होती है, इनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, ठीक है, और जिनकी पत्तियाँ होती है वो चौड़ी होती हैं। तो इनमें मुख्य रूप से महोगनी, एबोनी, राजवुड, रबड़ और ताड़ के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। ये हो गए हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद हम देखते हैं मानसूनी वन, मानसूनी वन। देखिए, मानसूनी वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से वर्षा कम होती है, अपेक्षाकृत उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से वर्षा कम होती है और तापमान भी कम होता है, तापमान कम होता है, ठीक है। और ये हम दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो प्रमुख क्षेत्रों को हम देखें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो प्रमुख देश हैं वह है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम,
कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, वियतनाम, ठीक है। उसके आगे हम ये कुछ देशों की और बात करें तो जिसमें है जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, जावा और सुमात्रा, इन देशों में यह जो वनस्पति है मानसूनी वन पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे वर्षा कम होती है और तापमान भी कम होता है। और इन वनों की विशेषता ये होती है कि ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों की अपेक्षा कम सघन होते हैं, ये कम सघन होते हैं, ठीक है, इनकी ऊंचाई भी कम होती है और ये ऊंचाई भी इनकी कम होती है और ये इनकी जो पत्तियां होती है वो भी चौड़ी नहीं होती है, मतलब छोटी पत्तियों के ये वन होते हैं, छोटी पत्तियों के। और इन इन वनों में जो मुख्य वो जो वनस्पति है वो पाई जाती है, जैसे साल, सागवान, नीम, साल, सागवान, नीम, ठीक है, आम, ये वृक्ष, आम, सिंकोना, आम है, सिंकोना है, ये वृक्ष, ठीक है, हमें देखने को मिलते हैं। और इस इन इन वनों के अलावा यहाँ पे लाख, कत्था और गोंद भी पाया जाता है, लाख, कत्था व गोंद भी इन इस प्रकार की वनस्पति में देख इस प्रकार की जो वनस्पति है मानसूनी वन, इनमें लाख, कत्था और गोंद भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मानसूनी वन, ठीक है। तो मानसूनी वन है जो दक्षिण पूर्वी एशिया के मुख्य रूप से कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, जावा और सुमात्रा में पाए जाते हैं। उनों की विशेषता ये होती है, ये कम सघन होते हैं, उनमें ऊंचाई भी इनकी कम होती है, छोटी पत्तियों के वन होते हैं। इनमें मुख्यतः वनस्पति मिलती है वो साल, सागवान, नीम, आम और सिंकोना के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई दक्षिणी पूर्वी एशिया की वनस्पति की बात। इसके आगे हम करते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया की मृदा के बारे में हम बात करते हैं। मृदा देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, जैसे जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। ये जो जलोढ़ मृदा है वो मुख्य रूप से हमें दक्षिण पूर्वी एशिया की जो नदी घाटियां हैं उन नदी घाटियों में ही यह जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसमें कौन कौन सी नदी घाटियां हैं, इरावदी, सालविन, मिनाम, मिकांग, चिंदविन, इन नदी घाटियों में हमें जलोढ़ प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। और इन नदियों के द्वारा जो भाकर लगे जो उपजाऊ जलोढ़ मृदा है ये कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। इसके अलावा भी हम देखें तो यहाँ पे जो लेटराइट मृदा है उसका विस्तार भी पाया जाता है, लेटराइट मृदा। इस मृदा का जो विस्तार है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस, फिलीपींस में यह जो लेटराइट प्रकार की मृदा है वो पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया के म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और फिलीपींस में। उसके बाद हम देखें जो ज्वालामुखी निर्मित जो काली मृदा है ज्वालामुखी के द्वारा, लावा के द्वारा निर्मित जो काली मृदा है वो इंडोनेशिया के क्षेत्रों में देखी जाती है, इंडोनेशिया में मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे पोर्टजोल और पीली मृदा भी कुछ क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में यह मृदा भी पाई जाती है। इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में मृदा के बारे में भी देख लिया है।
तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जलोढ़ लेटराइट काली पोर्जोल और पीली मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया की जो मुख्य नदी घाटियाँ हैं उन नदी घाटियों में यह मृदा पाई जाती है, जिसमें मुख्य इरावदी नदी है, सालवी नदी है, मिनाम, मिकांग, ठीक है, और चिंदवन जो नदी है, नदी की जो घाटी है उनमें हमें देखने को मिलती है जलोढ़ मृदा। उसके बाद हम लेटराइट मृदा भी इसके कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया में यह मृदा मिलती है। उसके बाद जो काली मृदा है, जो ज्वालामुखी के लावा निर्मित जो काली मृदा है वो पाई जाती है इंडोनेशिया में, और इसके अलावा यहाँ पे पोर्टजोल और पीली मृदा का भी कुछ क्षेत्रों में विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने दक्षिण पूर्वी एशिया की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।